कितने प्रतिशत मतदान हो गया है, क्योंकि अब तो एक घंटा हो गया है, अब तो जो पहली लिस्ट है कितने प्रतिशत मतदान हुआ है वो तो आ चुकी होगी। जी लगभग एक घंटा हो चुका है, एक घंटे में 5.5% जो है वोटिंग हो चुकी है यहाँ पे, और लोग अभी भी आने में लगे हुए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिन ढलते ढलते एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंट जो है हमें देखने के लिए मिल सकता है कोटद्वार से। जी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे पब्लिक आ रही है 2 बजे तक 40-50% तक वोट होने की संभावना है। क्या आपकी बात हो पाई है मतदाताओं से, कितने उत्सुक है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो मतदान कर रहे हैं, खासकर की महिलाएं? जी फिलहाल इस पोलिंग बूथ में देख सकते हैं महिलाएं तो नहीं है, पर अगर हम बात करें कि क्यों वोट डालने आए, किन मुद्दों पे वोट डालने आए, तो हमारे सहयोगी हमारे बताएं आज किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं। कौन सा मुद्दा था जिस तक वोट न डाला पहले बात? जब शुरू में बात हुई थी कि वोट नगर का परिषद बनाया जाएगा, वो परिषद डटी खड्डा ही बनकर रहेगा, उसमें कम से सारे नेता को वहीं डाल के तो बना दूंगा। क्या मांग ना सफाई कर्मचारी, सफाई के ढंग से काम हो रहा है ना, पानी की व्यवस्था ढंग से है, कुछ नहीं है यहाँ पर। जी जैसा कि अभी आपकी बात हुई थी कि मोटर नगर जो है वो बस अड्डा बन रहा था वहाँ पे, वहाँ सिर्फ एक गड्ढा बन के रह चुका है, पानी की सप्लाई यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। और बात करें अगर सफाई व्यवस्था की, तो सफाई व्यवस्था भी यहाँ पे चरमराई रहती है, और कई बार हमने ये खबरें भी चलाई है कि यहाँ सफाई व्यवस्था का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। बिल्कुल प्रशांत, अगर मैं बात करूँ कोटद्वार की, तो यहाँ पर देखिए 2012 में तत्कालीन सीएम मेजर जनरल बीसी खंडूरी की अप्रत्यक्ष हार से चर्चाओं में आई पौड़ी जिले की कोटद्वार विधानसभा सीट। इस बार उनकी बेटी, जैसे कि आपने बताया कि रितु खंडूरी चुनावी मैदान में हैं और चर्चा बहुत तेज है, क्या लग रहा है रितु खंडूरी पर लोग विश्वास जता रहे हैं? रितु खंडूरी का अगर यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान और आम आदमी पार्टी नहीं होती, तो रितु खंडूरी की यहाँ पे चर्चाएं थी कि एक तरफा सीट निकाल रही है, पर अब यहाँ पे जो है तो चार तरफा मुकाबला हो चुका है। किस तरह से चौतरफा मुकाबला यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी तक तस्वीरें सिर्फ त्रिकोणीय मुकाबले की नजर आ रही थी। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सुरेंद्र सिंह नेगी ने 3 दिन पूर्व एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसी कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद वर्मा उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, तो एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुई थी कि उन्होंने उन्हें कहा था कि चलो जाओ आप हमारे ऑफिस से, और आप नौटंकी कर रहे हैं और आप बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो वहीं 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे आए, तो उन्होंने भी कांग्रेस का जो है साथ देते हुए कह दिया कि सुरेंद्र सिंह नेगी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की तारीफ क्यों कर रही है, और कांग्रेस वाली आम आदमी पार्टी को बोलकर बीजेपी की तारीफ क्यों कर रही है।